अच्छा जब रथ चलते थे और महारथी का रथ होता था, आप जानते हैं महारथी के रथ में सारथी कहां बैठता है? सारथी का स्थान बहुत नीचे रहता है और जो उसमें बैठने वाला रथी है वो बहुत ऊपर बैठता है। अब हम लोगों ने टेलीविजन में जो महाभारत देखी वो तो काल्पनिक व्यवस्था है, पर वस्तुतः जो रथ का वर्णन शास्त्रों में मिलता है वो हम आपको कह रहे हैं। तो अब युद्ध करते करते उस महारथी को रथ को इधर मोड़ना है कि इधर मोड़ना है, ये बात सारथी को कैसे पता चले, क्योंकि वहां युद्ध का कोलाहल रहता है तो बोलने का अवसर नहीं रहता, थोड़ा सा चूके तो सामने वाले का वाण प्राण हर लेगा। तो जो रथी होता है वो बहुत ऊपर होता है और उसके दोनों पैर जो है सारथी के कंधे पर होते हैं, ऐसी रथ की व्यवस्था थी। तो रथ को यदि दाहिनी ओर मोड़ना है तो वो अपना दाया चरण जो है वो दाहिने कंधे पर प्रहार करेगा या स्पर्श करेगा, तो सारथी समझ लेगा कि रथ इधर ले जाना है। और बाई ओर रथ को घुमाना है तो वो जो सारथी ऊपर रथी बैठा है वो रथी जो है सारथी के बाएं कंधे में प्रहार चोट करेगा, वो समझ जाएगा रथ को इधर घुमाना है। उसी के आधार पर जो है रथ इधर उधर चलता है। सारथी तो युद्ध में सारथी रथ चलाता है और रथी जो है वो युद्ध में लगा रहता है। तो अर्जुन जब बैठते हैं तो वो रथी के रूप में बैठते हैं, हमारे ठाकुर जी सारथी बन के बैठते हैं। अर्जुन के पैर ठाकुर जी के कंधों पर रहते हैं। अब आप विचार कीजिए, जो जगत पिता है, जो जगदाधार है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो कैसे सारथी बनकर बैठे हुए रथ चला रहे हैं। अच्छा, जो रथी है वो तो रात्रि में विश्राम करता है, थक जाता है, लेकिन सारथी विश्राम नहीं करता। सारथी घोड़ों की देखभाल करता है, नहीं सवेरे रथ कैसे खींचेंगे? उनको कोई घाव हो गया, कोई बाण लग गया तो उस पर दवाई लगाना, मरहम लगाना, औषधि लेप करना, उनको चारा दाना खिलाना, तो सब सेवा सारथी करता है। तो द्वारिका नाथ प्रभु जो है द्वारिकाधीश है, फिर भी कैसी सेवा अर्जुन की कर रहे हैं, यह है भगवान का स्वभाव।